गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ओपन एट पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में देखो तो कहां तक पढ़ाया था कि पी वुड गेट ए मार्वेलस लिटिल पेन। पी को एक बहुत ही सुंदर सा पेन भी मिल जाता। क्या हुआ था यहां तक कि रजम कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स टू हिज होम। सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया था। देखा गया कि घर दोस्तों में बहुत अनबनी चल रहा है। दे वर जस्ट हैविंग सम क्वारल, बट रजम ये चाहते थे कि दोनों में थोड़ा दोस्ती बन जाए। ही थ्रू ओपन द कबर्ड एंड डिस्प्लेड द प्राइजेस। उसने कबर्ड, घर में जो अलमारी था कबर्ड, उसको अलमारी बोलते हैं, अलमारी लकड़ी का अलमारी, उसको खोला और सबको प्राइज दिखाया। देयर वॉज साइलेंस फॉर सम टाइम। कुछ समय तो सब चुप था। एज ईच सैट नॉइंग हिज नेल्स। सभी बैठा था अपने नाखून को चबाते हुए। नॉइंग मतलब चबाना, कट। हाँ, मतलब सभी दोस्त बैठे थे, रजम, मणि, स्वामीनाथन, पी, सोमू, दे वर ऑल सिटिंग। सब अपने नाखून को चबा रहे थे। रजम वाज स्वेटिंग विथ हिज पीस मेकिंग एफर्ट्स। रजम को पसीना पसीना हो रहा था क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि शांति बनाए रखने का, पीस मेकिंग। बिकॉज रजम न्यू दैट सम ऑफ द फ्रेंड्स डोंट लाइक ईच अदर। कुछ दोस्त हैं जो अपने एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन रजम ने बहुत कोशिश किया कि थोड़ा शांति बनाए रखे जाए। द पी वॉज द फर्स्ट टू राइज। तब सब बैठा था तो पी पहले वो व्यक्ति था जो उठा। ही स्टूड बिफोर द कबर्ड एंड सेड। उसने कबर्ड के सामने खड़ा हो गया और उसने क्या बोला, लेट मी सी द फाउंटेन पेन। मुझे थोड़ा वो फाउंटेन पेन थोड़ा दिखाओ। रजम गेव इट टू हिम। रजम ने उस फाउंटेन पेन पी को दिया। द पी टर्न्ड इट राउंड एंड राउंड। पी उस फाउंटेन पेन को ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के देखने लगे। एंड गेव इट बैक विदाउट एनी कॉमेंट। बिना कुछ बोले वो रजम को वो पेन वापस कर दिया। वाई डोंट यू लाइक इट, आस्क्ड रजम। रजम ने तब पूछा कि तुमको ये पेन क्यों नहीं पसंद हुआ। द पी केप्ट स्टेयरिंग इन टू द कबर्ड एंड सेड। पी तब उस कबर्ड मतलब जो अलमारी था उसके तरफ देखने लगे और बोला, कैन आई हैव दैट बॉक्स। क्या मुझे वो बॉक्स मिल सकता है, वो बक्सा मिल सकता है। He pointed at a tiny box with a lot of yellow and black designs on it. उसने तब उंगली से दिखाया, उंगली करके, कि वो छोटा सा एक बक्सा की तरह जिसमें बहुत सारे पीला और काले रंग का नक्काश या डिजाइन किया हुआ था। एंड ए मिनिएचर ताजमहल ऑन इट्स लीड। और उस बक्से के जो ढक्कन है, लीड है, उसके ऊपर एक छोटा सा ताजमहल का डिजाइन किया हुआ था। रजम से, रजम ने बोला, आई कांट गिव यू दैट। मैं तुमको वो नहीं दे सकता। आई वॉन्ट इट, वो मुझे चाहिए। ही paused, पॉज मतलब उसने थोड़ा रुका, paused मतलब did not say anything for a little while. He had two more boxes like that in his trunk. उसके ट्रंक में और दो उसी तरीके का बक्सा था। He changed his mind. Suddenly रजम ने अपने मन को चेंज कर लिया। रजम ने देखा मेरे पास और दो बक्सा है। No, I don't want it. मुझे नहीं चाहिए ये। You can take the box if you like. अगर तुमको पसंद है तो तुम ये बॉक्स ले सकते हो। In a short while, कुछ समय के अंदर, Mani was sharpening a knife. Mani एक जो उसको जो चाकू दिया गया था, पॉकेट नाइफ, उसको धार कर रहा था। On his palm, उसके हाथों में कुछ इस ऐसे करके इस किस्म से। Somu was trying a belt on. Somu अपने बेल्ट को कमर में लगाने का कोशिश कर रहा था। Shankar was fingering a thick note, bound notebook. एक मोटा सा बाइंड किया हुआ नोटबुक को Somu उंगली के हाथ से देख रहा था लगा के। And Swaminathan was clasping a green engine to his bosom. और Swaminathan clasping मतलब क्या होता है, CLASPING, clasping means holding tightly, पकड़ के रखना, in his bosom, bosom मतलब अपने दिल से ऐसे करके पकड़ के रखा था उसने उस ग्रीन कलर के इंजन को। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट वी फाउंड, हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट काइंड ऑफ लेसन डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। In the end of the lesson, it has been found that all the friends who had enmity with each other was resolved. वो सब दोस्त जिसके बीच दुश्मनी था वो सब ठीक हो गया। All the indifferences, all the anger and other kinds of bad elements were patched up.
they all became friends in the end. And Rajam succeeded in making this. Rajam called in all the friends to his home. And in the end, there was a friendship between everybody. So in the end, it has been found. So I think this the lesson is finished here. यहाँ पर लेसन फिनिश हो जा रहा है. नाउ यू विल गेट सम क्वेश्चंस एंड अदर एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस लेसन. ओके, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट ए न्यू ग्रामर लेसन. ओके, गुड डे डियर स्टूडेंट्स.